I hope you're all absolutely good and fine. Today I'm gonna show you how to apply this cool effect in Filmora 9 to make your project eye-catching as well as powerful. Keep watching the video till the end. Without wasting any time, let's start the video. To apply this effect in your project, you should open first the Filmora 9 GUI, that is graphical user interface. देन आपको जो वीडियो पे आप ये इफेक्ट देना चाहते हो वो वीडियो को इंपोर्ट कर लेना चाहिए। मैं अपनी तरह से मैं वीडियो इंपोर्ट कर लिया। मान लीजिए कि ये वीडियो में मैं इफेक्ट देना चाहता हूँ। सो दिस वीडियो इज़ ऑलरेडी इंपोर्टेड टू माय टाइमलाइन। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जो म्यूज़िक के ऊपर आप ये वीडियो बेस इफेक्ट डालना चाहते हो वो म्यूज़िक को भी इंपोर्ट कर लेना चाहिए। मैं मेरे हिसाब से NCS का रिलीज हुआ एक म्यूज़िक इंपोर्ट करूँगा। इंपोर्ट हो गया। द नेक्स्ट स्टेप इज टू ड्रैग द वीडियो टू योर टाइमलाइन इन बेस्ट क्वालिटी, दैट इज 60 FPS। गो टू प्रोजेक्ट सेटिंग एंड क्लिक द फ्रेम रेट 60 FPS। एंड मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप लोग 60 FPS वाला ही वीडियो यूज़ करें ताकि क्वालिटी रेंडरिंग के बाद भी अच्छा हो। उसके बाद आपके वीडियो के नीचे लेयर पे आप अपना म्यूज़िक दे सकते हो। तो मैं मेरे म्यूज़िक के हिसाब से वीडियो को थोड़ा बड़ा करूँगा, तो मैं स्लो करता हूँ 0.5। आप अपनी तरह से वीडियो ले सकते हो। इधर देखिए कि ये जो हमारा म्यूज़िक है, इस म्यूज़िक में डिस्प्ले में देखिए वेव फॉर्म शो कर रहा है। ये म्यूज़िक में वेव फॉर्म जिसमें आप देख रहे हैं उसमें बेस इफेक्टेड है। या तो आप एक काम कर सकते हो, हेडफोन यूज़ कीजिए कहाँ का बेस म्यूज़िक में है वो देखने के लिए। तो मैं ये म्यूज़िक एक बार प्ले करूँगा। म्यूज़िक में सब जगह पर बेस नहीं है, तो आपको बेस देने के लिए कहाँ कहाँ बेस है उसके हिसाब से आपको वीडियो कट करना पड़ेगा। जैसे कि फर्स्ट में ये देखिए, यहाँ पर एक बेस है, तो ये बेस में मैं मेरा वीडियो कट करूँगा। मैं टाइमलाइन के हिसाब से थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इधर एक, तो मैं इस तरह से वीडियो थोड़ा थोड़ा करके कट करूँगा। तो ये देखिए, मैं मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए कुछ वीडियो कट किया हुआ है बेस के ऊपर। तो आपको हर एक कट को क्या करना है, द फर्स्ट स्टेप इज राइट क्लिक ऑन द कट, गो टू क्रॉप एंड जूम, गो टू पैन एंड जूम, क्लिक ऑन रिवर्स बटन। छोटा वाला जो रेक्टेंगल है अंदर का वो ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया है, उसको आपको इधर भी रख सकते हो या तो आप कुछ घटा सकते हो जूम के लिए। मैं अपनी तरह से रेक्टेंगल को करता हूँ, मैं इतना तक कम करूँगा और ओके कीजिए। सेकंड कट को क्लिक कीजिए, गो टू क्रॉप एंड जूम, गो टू पैन एंड जूम, देन क्लिक ऑन द रिवर्स एंड रिपीट द सेम प्रोसेस। आप लोग को एक ध्यान रखना है कि ये बॉक्स को जितना हो सके मिडिल में रखिए, देन क्लिक ऑन ओके। अब आप हर एक कट को सेम प्रोसेस अप्लाई करके ये क्रॉप एंड जूम एंड सेम प्रोसेस कीजिए। ये पैन एंड जूम हर एक कट को करने के बाद आप राइट क्लिक में देखिए रेंडरिंग प्रीव्यू है,
वो रेंडरिंग प्रीव्यू में क्लिक कीजिए कैसे ये स्मूथ प्लेबैक के लिए बेस्ट इफेक्ट म्यूजिक के साथ प्रोड्यूस कर रहा है। मैं और एक बार प्ले करता हूँ, देख लीजिए। रेंडरिंग कंप्लीट होने के बाद स्टॉप कीजिए एंड प्ले कीजिए। सो इस तरह से आप कोई भी वीडियो को अपने म्यूजिक के बेस के हिसाब से बेस्ट बीट इफेक्ट दे सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी हमारा न्यू वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन पर पहुँच सके। सो प्रीटी मच फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू नेक्स्ट इफेक्ट। अंटिल देन enjoy this music. Tab tak ke liye bye bye, take care. Why do I love the way you are? We always leave me. Why do I?